एक अलग बर्तन लेंगे और उसमें हम इसका पानी निकाल देंगे। निकाल कर अलग से रख देंगे। इसका सारा पानी हमें अच्छे से निकाल देना है, और ये पानी भी हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम ग्रेवी में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पानी काफी पौष्टिक होता है, तो इसे भी हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। इसी तरह से हम सारे कद्दू को निचोड़ करके बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कद्दू में से मैंने सारा पानी निकाल दिया है, इसमें से इतना पानी निकला है। अब ये पानी हम वेस्ट नहीं करेंगे, सब्जी में डालेंगे। तो जब तक सब्जी तैयार होगी तब तक हम इसे फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि इसका रंग काला ना पड़ जाए, तो इसे हम फ्रिज में रख देंगे पहले। तो सबसे पहले इसमें जाएगी 1 चम्मच अजवाइन, ये मैंने लिया है, कड़ी पत्ता ये ऑप्शनल है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसे डाल दिया है। ये है 2 चम्मच पिसा हुआ लहसुन, ये स्वाद के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं जितना आपको टेस्ट में अच्छा लगे। ये है 3 हरी मिर्ची जो मैंने पीस कर रखी थी, वो भी डाल दी। थोड़ा सा डाल दिया इसमें धनिया पत्ता, और अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक। तो फ्रेंड्स, मसाले तो इसमें चले गए, अब इसकी बाइंडिंग करनी है। तो बाइंडिंग के लिए सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे खूब सारा प्याज। अब इसकी बाइंडिंग के लिए मैंने लिया है 2 आलू उबले हुए, जिसे मैंने पहले से उबाल कर रख दिया था। तो आलू भी बिल्कुल ड्राई है, ये भी गीले या चिपचिपे नहीं है। तो इसमें अब थोड़ी सी बाइंडिंग के लिए हम मैदा डालेंगे, ये 4 चम्मच मैदे के हैं, जो हम जरूरत के हिसाब से डालेंगे, ज्यादा मैदा बेसन हम नहीं यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 2 मिनट के बाद भी हमारा बैटर बिल्कुल सूखा हुआ है, इसमें पानी जरा भी नहीं है। तो अब हम टमाटर डालेंगे, और तब तक फ्राई करेंगे जिससे टमाटर थोड़े से ढीले हो जाए, हल्के से इसकी स्किन नरम हो जाए। तब तक के लिए हम इसे टमाटर को भी भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा मसाला जो है वो फ्राई हो चुका है, टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। फ्रेंड्स, मसाला ठंडा हो गया है, अब हम इसे पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स,
अब मैंने फ्लेम ऑन कर दी है और इसमें पहले डालेंगे जीरा। तो फ्रेंड्स जीरा डालने के बाद थोड़ा सा जीरा क्रैकल हो जाए तो हमने जो मसाला फ्राई करके पीसा था वो हम इसमें डाल। तो फ्रेंड्स जीरा हमारा क्रैकल हो गया है, अब हम इसमें अपना मसाला डाल देंगे। अब इसे भूनने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स मसाला भूनने में हमें ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं क्योंकि हमने तो पहले से ही सारे मसाले को भून करके रखा था। बस अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, हल्दी, मेथी है कसूरी मेथी, गरम मसाला और लाल मिर्च, इन चारों चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे। और तो फ्रेंड्स मसाला हमारा भुन गया है, जो हमने पानी निकाल कर रखा था वो हम डाल देंगे। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा दही, इसकी थिकनेस को थोड़ा और गाढ़ा करेंगे। और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे धनिया पत्ता फ्लेवर के लिए भी। बस एक उबाल आने के बाद हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स हमारी ग्रेवी तो बनकर तैयार हो गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और कितनी थिक ग्रेवी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली। तो एक बार तो आप इसे बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी आज की प्लेट बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। कोफ्ते तो आपने भी बनाए होंगे बट एक बार इस तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको बहुत ही स्वाद लगेगा और आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगी कुछ नई चीज़।